हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पुष्पा, पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आप सभी फ्रेंड्स का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आशा करती हूँ मेरी सभी फ्रेंड्स अच्छी होंगी। सबसे पहले आप सभी को अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अष्टमी है, आज है दिन सोमवार का और तारीख है 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर दिन सोमवार, आज के दिन मैया आई थी और आज के दिन मैया की जो है मैया के 8 दिन हो गए हैं और आज के दिन 8वें दिन कोई विदाई कर देता है, कोई 9वें दिन विदाई कर देता है। तो आज अष्टमी है, कई सभी घरों में, ज़्यादातर घरों में अष्टमी की ही विदाई होती है। अष्टमी ही कन्या पूजन होता है, अष्टमी ही जो है माँ को चुन्नी और सुहाग वगैरह जो भी अर्पण किया जाता है वो किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कुछ मैं भी करती हूँ, कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ। मेरे यहाँ दोनों नवरात्रि तो वैसे नहीं माना जाता है, जो गेहूं करते हैं उस टाइम जो नवरात्रि आते हैं वही मेरे घर में माना जाता है। पर मैं दोनों ही नवरात्रि अपने दियाबाती करती हूँ, पूजा पाठ श्रद्धा भाव से करती हूँ। तो फिर मैं दोनों ही नवरात्रि माँ को जो भोग प्रसाद सुहाग वगैरह अर्पण करना होता है, जो कि हम अपने लिए करते हैं तो वो करना ही चाहिए, तो वो सब मैं आज करूँगी। आज अष्टमी है तो, और 9 दिन के 8 दिन के जोत माँ की कृपा से बहुत अच्छे से पूरे हुए, सभी की जोत बाती पूरी हुई हो, सभी की इच्छाएं माँ पूरी करे, मेरी भी इच्छा पूरी करे, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ माँ से। तो घर की साफ सफाई सारी हो चुकी है और नहाना धोना भी मेरा हो चुका है। ये देखिए, नहा धोकर मैं एकदम रेडी हूँ और पूजा पाठ के लिए देखिए सामान भी रेडी है मेरा। ये देखिए, पूजा पाठ का सारा सामान मैंने धोकर सब रेडी कर दिया है। तो रोज दिन तो सिंपल पूजा होती है, रोज दिन तो बस वही फूल प्रसाद चढ़ाया मैंने और पूजा नॉर्मल करी, लेकिन आज मैं जो है अष्टमी है आज, तो आज थोड़ा सा स्पेशल बनाऊंगी हलवा पूड़ी, जैसे माँ को बहुत पसंद है तो वहाँ और पूड़ी का मैं जो है भोग बनाऊंगी पहले। चलिए फटाफट बना लेते हैं और भोग बनाने के बाद आज पूजा होगी। यहाँ प्रसाद बनाने से पहले मैं देखिए अपना जो है गैस काउंटर वगैरह किचन वगैरह अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लूँगी, क्योंकि सुबेरे में मैंने चाय बनाई थी, चाय वगैरह दूध वगैरह बॉईल किया था, तो इसलिए से मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ पहले। और फिर उसके बाद यहाँ देखिए मैंने जो है अपना प्रसाद बनाना शुरू कर दिया है। तो प्रसाद बनाने के लिए मैंने ये जो है लोहे का कढ़ाई का यूज़ किया है। सबसे पहले हलवा बनाऊंगी सूजी का, और फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा ही बनाऊंगी मैं, ज़्यादा नहीं, बस प्रसाद थोड़ा ही मतलब बनाया जाता है, प्रसाद प्रसाद की तरह ही बने तो अच्छा लगता है। और कन्या पूजन नहीं करना है मेरे को, क्योंकि मैंने इस बार व्रत नहीं करे हैं, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था कि मैंने इस बार फास्ट नहीं किए हैं, और इसमें हम कन्या पूजन वगैरह नहीं भी करते हैं तो चलता है, लेकिन हाँ कन्या पूजन मतलब कन्याओं को बुला कर खिलाना पिलाना वो सब मैं नहीं कर पाऊंगी इस बार, क्योंकि व्रत नहीं करी थी मैं, लेकिन जो माता रानी का पूजा पाठ है वो तो मैं अच्छे से करूंगी ही। तो यहाँ मैंने लोहे की कढ़ाई में, ये लोहे की कढ़ाई मैंने दिखाई थी आप सभी को, ये मैंने स्पेशली पूजा पाठ की का भोग प्रसाद वगैरह बनाने के लिए ही लिया था, तो इसका यूज मैं कढ़ाई का सिर्फ पूजा पाठ में ही करती हूँ। तो आज पूजा पाठ का ही खाना बन रहा है भगवान को चढ़ने का, माता रानी को, तो इसलिए मैंने इस कढ़ाई का यूज़ करा है। तो यहाँ मैंने हलवा भी बना लिया है, सिंपल हलवा बनाया था थोड़ा सा प्रसाद जैसा, और उसके बाद मैंने आटा लगा लिया था, और आटा लगा कर अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ, और इसकी पूड़ियाँ बना लूँ, और इसके बाद फिर हम चलेंगे मंदिर में तो करेंगे पूजा। तो यहाँ देखिए मेरा जो है हलवा पूड़ी का भोग बन गया है, जो कि माँ दुर्गा का, माँ आदिशक्ति का फेवरेट प्रसाद होता है हलवा पूड़ी, और यही हमारे यहाँ कन्याओं को भी दिया जाता है। तो यहाँ देखिए हलवे हलवा और पूड़ी मैंने दोनों में रख लिया है। फ्रेंड्स, मेरे मंदिर में जगह बहुत कम है, इस वजह से मैंने इस तरीके से मतलब एक दोने में 5 कन्याओं के नाम का मैंने रख लिया है, 5 पूड़ी 6 पूड़ी ऐसे रख के, और ऊपर से हलवा रख दिया था मैंने, और ये अगले दिन मैंने माँ को अभी चढ़ा दिया है, और ये अगले दिन मैंने गाय माता को पहुँचा दिया था। तो इस तरीके से करने से माना जाता है कि वो कन्याओं का पूजन ना कर पाओ आप, तो इस तरीके से माँ के आगे चढ़ा कर गाय को दे दो तो भी आपको कन्याओं को पूजने जितना ही फल मिलता है, ऐसा मैंने सुना है। तो बस वैसे ही देखिए मैंने कर लिया, मंदिर में आके घंटी वगैरह बजा कर और जोत बाती धूप दीप सब कुछ कर कर फूल फल माँ को अर्पण कर कर भोग अर्पण कर कर माँ को लाल चुन्नी अर्पण कर कर, क्योंकि आज अष्टमी है और अष्टमी को ही माँ को सारा सुहाग का सामान और लाल चुन्नी नारियल ये सारी चीज़ें हम जो है अर्पण करके, और उसके मेरी चालीसा शुरू हो गई है। तो चालीसा मैं अभी पढ़ रही हूँ, चालीसा पढ़ने के बाद फ्रेंड्स मैं करूँगी आरती, और कुछ इसी तरीके से मैंने अष्टमी मनाई, बहुत सिंपल तरीके से अष्टमी मनाई फ्रेंड्स। और जो मैंने जैसे कि अभी शुरू में ही बताया, जो अप्रैल के लगभग वाली जो माता रानी आती हैं, तो उसमें हमारे यहाँ बहुत मतलब मतलब डर डर के पूजा की जाती है, और बहुत अच्छे से पूजा होती है उसमें माँ का, वो तो मेरी सासू माँ ही करती हैं, उसमें बहुत कुछ करना होता है, नियम कायदा कानून बहुत होता है,
होता है उसमें रीति रिवाज से वो पूजा होती है उस समय की माता रानी की, और ये वाले माता रानी की तो सिंपल से होती है, तो जो जहाँ है वो वहाँ अपने शक्ति भाव श्रद्धा भाव से करते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा जो है पूरा माता रानी का अष्टमी का पूजन पाठ हो गया, और आज आरती मैंने दिए से नहीं कर कपूर से आरती करी है, माँ को कपूर भी बहुत पसंद होता है, तो आज अष्टमी पर मैंने माँ को कपूर से आरती कर और उस आरती को मैंने अपने पूरे घर में घुमाया, और आप सभी को भी आरती दी मैंने, सबके ऊपर माँ की कृपा हो, मेरे ऊपर भी माँ की कृपा हो। तो फाइनल मेरी मैया के दर्शन कर लीजिए, और देखिए पूरा मंदिर भर गया है माँ के चरणों में, सारी चीज़ें मतलब जगह नहीं थी ना, जैसे तैसे मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर रखी हुई थी, और बहुत सुंदर लग रहा था सच में। तो यहाँ मेरा जो है पूजा पाठ हो गया है, भगवान सूर्य को जल वगैरह भी मैं दे आई हूँ, और माता रानी के दर्शन हो चुके हैं, और यहाँ मैंने कंचिका के रूप में अपनी बेदू की भी पूजा कर ली है, हालांकि बेदू अभी नहाई नहीं है, देखिए घूम रही है, वो गिर गई, और क्योंकि अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, और इसको इतनी जल्दी नहलाऊंगी तो इसको जुकाम होने का डर है, तो बस इसको मैंने ऐसे ही टीका कर और इसको मैंने हलवा और पूड़ी ऐसे रोल कर दे दिया था, तो इसने खा लिया है, और अभी ये और भी हमारे साथ जो है प्रसाद खा लेगी। तो एक कन्या मैंने घर में ही पूज ली, और पांच कन्याओं के नाम का मैंने जो है माता रानी के पास रख दिया, तो वो गाय को मैं भेज दूंगी। तो बस कुछ इसी तरीके से मैंने जो है अष्टमी पूजन करा फ्रेंड्स, सिंपल सोबर तरीके से, और उसके बाद फिर जो है भोग प्रसाद जो बनाया था वो हमने नाश्ता कर लिया, और मैंने दूध गर्म करके रखा था, तो यहाँ मैं दही जमा रही थी, और दही जमा दिया है मैंने, और एक गिलास दूध जो है मैं हस्बैंड जी को दूंगी, वो लेंगे पियेंगे, और उसके बाद जो है मैं लग रही हूँ अब खाना पीना बनाने में। तो जैसे कि आप सबेरे में हमने हलवा और पूड़ी का नाश्ता किया है, तो बस पेट भरा भरा ही है, तो दोपहर के लिए सिंपल ही खाना बनाने वाली हूँ मैं। तो मैंने फिर हस्बैंड ने बोला कि काम करो खिचड़ी बना दो, क्योंकि बेदू भी खा लेती है खिचड़ी बहुत अच्छे तरीके से, मतलब उसको पसंद है खिचड़ी, तो सिंपल तरीके से ही मैं खिचड़ी बनाऊंगी, थोड़ी सी हरी सब्जियाँ वगैरह डालकर, हरी मूँग और मसूर की दाल, और राइस को मैंने देखिए धुल लिया था, और इसमें मैंने थोड़ा सा पत्ता गोभी हरा धनिया टमाटर प्याज ये सब काट लिया है साथ में ही, और सरसों के तेल में देखिए मैं जीरा डालकर, और इसमें थोड़ा सा हींग डालूंगी, और उसके बाद ये चावल दाल और सारी सब्जियां एक साथ डालकर और सिंपल तरीके से मैं इसे भूनकर उसमें हल्दी पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक डालकर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और ये सिंपल खिचड़ी में बनाऊंगी दही के साथ खाने के लिए। तो दोपहर में हमने ना सिंपल खिचड़ी और दही खाया था, ज़्यादा कुछ नहीं दोपहर में मैंने जो है खाया हमने बनाया था, क्योंकि जो है हलवा पूड़ी सबेरे नाश्ता हो गया था। और उसके बाद यहाँ देखिए जो खिचड़ी बन रही है, थोड़े से बर्तन है वो रुक कर माँजूंगी, और आज अष्टमी का पूजन किया उसके थोड़े रुक के मतलब थोड़े बाद में ही ये कुरियर आ गया, तो बहुत अच्छा लगा। ये देखिए अमेजोन से कुछ हमने मंगाया था सामान, तो ये फाइनली आ गया, और हस्बैंड ने दो तीन आइटम मंगाए थे लेकिन ना जो मंगाया था वो नहीं आया फ्रेंड्स। ये देखिए एक बल्ब मंगाया था, इसको तो मेरे को देखिए चक्कर ही आ रही है, ऐसे जल रहा है बंद हो रहा है, जल रहा है बंद हो रहा है, जबकि हस्बैंड ने वो जो कलर फुल वाले आते हैं ना बर्थडे पार्टी वगैरह में लगाए जाते हैं वो मंगाया था, और ये प्लेन वाइट कलर का आ गया था, बस ये जल रहा था बंद हो रहा था, जल रहा था बंद हो रहा था, तो ये मतलब सही नहीं आया था, जो हमने मंगाया था वो बल्ब नहीं आकर दूसरा बल्ब आ गया था, तो रिटर्न किया फिर हमने। और एक ये रेजर मंगाया था शेविंग वगैरह करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक रेजर, ये देखिए कुछ इस तरीके से है, जब इसको हस्बैंड यूज़ करेंगे ना तो मैं ज़रूर आप सभी को वीडियो में दिखाऊंगी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, काफ़ी यूज़फुल लगा ये। तो ये कैसे यूज होगा क्या होगा ये तो अभी मुझे कुछ नहीं पता, देखिए कुछ इस तरीके से है ये इलेक्ट्रॉनिक रेजर है ये, तो जब करेंगे हस्बैंड यूज ना तब मैं ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो एक ये मंगाया था और एक इन्होंने स्पीकर मंगाया था बेदू के लिए, क्योंकि बेदू को जैसे कभी कोई काम करना हो और ये ड्यूटी गए होते हैं तो मुझे इसको फ़ोन देना पड़ता है तो फिर मेरे काम रुक जाते हैं, तो इस वजह से इसके लिए ये स्पीकर मंगाया था कि स्पीकर में ये खेलती रहेगी, काफ़ी कुछ सीखने को इसको मिलेगा। तो मैं लेकिन मुझे नहीं समझ आया तो हस्बैंड को मैं वही बोल रही हूँ कि क्यों आपने फालतू का खर्चा किया, हस्बैंड वही हाथ हिला के बोल रहे थे कि कौन सा खर्चा हो गया, कोई खर्चा नहीं हुआ, आजकल अमेजोन पे अच्छी खासी दिवाली की जो है सेल चली हुई है तो मैंने उस सेल से मंगाया हुआ है। और सच में फ्रेंड्स आजकल मीशो अमेजोन पर काफ़ी अच्छी सेल है, चीज़ें बहुत अच्छे रेट में वहाँ मिल जाती है, लेकिन तो ये स्पीकर है ना मैंने पहले भी बता रखा नेट इशू बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, तो ये नहीं हो पाया था तो इसको रिटर्न करना पड़ा था, तो बस यही सब चल रहा है। अभी ये अपनी जो चीज़ें मंगा रखी हैं वो चीज़ें चेक करने में लगे हुए हैं, बेदू खेल रही है, मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े सुखाने, और बस दोपहर के एक बज गए हैं, इतना ही काम करते करते यहाँ देखिए कपड़े सुखा के आने के बाद बेदू को मैंने नहला लिया है, तो फाइनली बेदू नहा ली है, और नहा कर अब देखिए उसको मैं खिचड़ी खिला रही हूँ, और हस्बैंड जो है स्पीकर चेक ही कर रहे हैं क्योंकि बेदू को था कि मुझे अभी चलाना है चलाना, इसमें कैसे मैम बात करेंगी वो मुझे सुनना है, इन्होंने बोला था इसमें मैम बात करेंगी आपसे, तो ये बोली थी मुझे सुनना है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, वीडियो पसंद आए